स्टोरी के स्टार्ट में हमें 12 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें हम एक बहुत बड़े फॉक्स को देखते हैं, जिसके 9 टेल्स हैं और इस फॉक्स को 9 टेल फॉक्स कहते हैं। ये एक गांव जिसे हिडन लीफ विलेज कहते हैं उस पर अटैक करता है। विलेज के निंजा इससे लड़ते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल होता है। तभी वहाँ पर फोर्थ होकागे आता है। होकागे असल में विलेज का लीडर होता है, तो फोर्थ होकागे इस फॉक्स से जंग करके इसको एक छोटे बच्चे के अंदर सील कर देता है और यहाँ से हमारी नारुतो की स्टोरी स्टार्ट होती है। अब 12 साल के बाद हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर नारुतो उज़ुमाकी, जो बहुत शरारती है, इसकी शरारतों से विलेज में सब तंग होते हैं। इस बार इसने विलेज के होकागे इसके बनाए हुए फेस के स्कल्पचर्स को पेंट कर दिया है। इसकी शरारतों से तंग आकर विलेज के निंजास थर्ड होकागे को इसकी शरारतों के बारे में बताते हैं। नारुतो छुपा हुआ होता है कि तभी इरुका सेंसे वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। इस एनिमे में सेंसे वर्ड का यूज टीचर, सर या मास्टर के लिए किया जाता है। इरुका सेंसे नारुतो से पूछता है कि नारुतो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें इस वक्त अपने स्कूल में होना चाहिए। फिर इरुका सेंसे उसे बांध कर अपने साथ स्कूल ले जाता है। वहाँ पर क्लास में इरुका सेंसे सबसे कहते हैं कि तुम सबका आज टेस्ट होगा, और वो टेस्ट ये है कि सारे स्टूडेंट एक एक करके ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करके दिखाओगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं, जुत्सु असल में एक सुपर नेचुरल टेक्निक है, जिसको यूज करके निंजास बहुत से पावर्स को हासिल करते हैं, और इनमें से ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु है, जिसको यूज करके अपने रूप को बदला जा सकता है। तो सबसे पहले एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सकुरा। सकुरा बहुत आसानी से अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करके इरुका सेंसे में बदल जाती है। इसके बाद बारी आती है कूल ड्यूड सास्के की, और ऐसा लगता है कि सकुरा को सास्के पर क्रश है। सास्के भी कूल एटीट्यूड के साथ इजीली अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करता है और इरुका सेंसे उसे भी फुल मार्क्स देते हैं। इसके बाद बारी आती है नारुतो की, और ऐसा लगता है कि क्लास में कोई भी उसको पसंद नहीं करता सिवाय एक लड़की हिनाटा के, क्योंकि वो नारुतो को देखकर ब्लश करती है और अपने मन में कहती है नारुतो गुड लक। तो नारुतो आगे आता है और एक न्यूड लड़की में बदल जाता है। ये देखकर इरुका सेंसे का दिमाग खराब हो जाता है और वो नारुतो पर बहुत गुस्सा होता है और नारुतो को होकागे के फेस स्कल्पचर को साफ करने की पनिशमेंट देता है। वहाँ इरुका सेंसे नारुतो को जल्दी साफ करने के लिए कहता है, तो नारुतो जवाब में कहता है कि मैं क्यों जल्दी साफ करूँ, वैसे भी मेरा घर में कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है। नारुतो ये इसलिए कहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स पहले ही मर चुके हैं और वो अकेला रहता है, उसका और कोई नहीं है। तो इरुका सेंसे को ये सुनकर थोड़ा बहुत बुरा लगता है, तो वो कहता है अगर तुम ये जल्दी साफ करोगे तो मैं तुम्हें रामेन नूडल्स खिलाऊंगा, जो नारुतो की सबसे फेवरेट डिश है। तो नारुतो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो काम खत्म करने के बाद रामेन नूडल्स खाने के लिए शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर इरुका सेंसे नारुतो से पूछता है कि वो क्यों होकागे के फेस को पेंट करता है, क्या वो नहीं जानता कि होकागे विलेज के हीरोज हैं। तो नारुतो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि विलेज के बेस्ट निंजा में से कोई एक ही होकागे बन पाता है, लेकिन मैं इन सब होकागे से स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इनसे बड़ा होकागे बनकर दिखाऊंगा। फिर वो इरुका सेंसे से थोड़ी देर के लिए लीफ हेड बैंड मांगता है, लेकिन इरुका सेंसे कहता है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ उसी को मिलता है जो निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाए, और वो टेस्ट तुम्हारा कल ही है। इसके बाद अगले सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरुका सेंसे स्टूडेंट से कहते हैं कि आज ग्रेजुएशन का एग्जाम है, जिसके लिए तुम लोग को शेडो क्लोन जुत्सु का टेस्ट देना होगा। ये सुनकर नारुतो का मुंह लटक जाता है और वो अपने मन में कहता है कि क्लोन जुत्सु मेरी सबसे वीक जुत्सु है। असल में क्लोन जुत्सु का यूज करने वाला अपने जैसा एक या एक से ज्यादा शेडो क्लोन बना सकता है। सब स्टूडेंट एक एक करके पास हो जाते हैं। फिर बारी आती है नारुतो की, और जब वो अपने क्लोन जुत्सु को परफॉर्म करता है तो उसमें कामयाब नहीं होता और एक वीक सा मरा हुआ शेडो बनाता है, जिस पर इरुका सेंसे उसे फेल कर देते हैं। वहाँ पर बैठा हुआ एक और सेंसे, जिसका नाम मिजुकी सेंसे है, कहता है कि इसकी फिजिकल कंडीशन और स्टेमिना काफी अच्छी है, क्यों ना आप इसको पास कर दें। ये सुनकर नारुतो भी खुश हो जाता है, लेकिन इरुका सेंसे मिजुकी सेंसे को जवाब देते हुए कहता है बाकी स्टूडेंट ने तो 3 या उससे भी ज्यादा क्लोन्स बनाए हैं, मगर नारुतो का बनाया हुआ ये एक क्लोन भी यूजलेस है, तो मैं इसके लिए
इसे कैसे पास कर सकता हूँ। नारुतो को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर सीन चेंज होकर हमें बाकी स्टूडेंट को ग्रेजुएट होते और लीफ विलेज का हेडमैन पहनते हुए दिखाया जाता है और उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे जो बहुत ही खुश थे, लेकिन नारुतो झूले पर बैठकर दूर से उन्हें उदास नजरों से देख रहा होता है। स्टूडेंट के पेरेंट्स नारुतो को देखकर कहते हैं कि अच्छा हुआ ये फेल हो गया, अगर ये निंजा बन जाता तो विलेज के लिए बहुत ही बुरा था। एक लेडी कहती है कि ये वही बच्चा है ना जिसमें, तो दूसरी लेडी उसे ऐसा बोलने से रोकती है कि इसके बारे में बात करना मना है। फिर अचानक वहाँ पर मिजुकी सेंसेई आ जाते हैं। मिजुकी सेंसेई नारुतो को वहाँ से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। इसको इरुका सेंसेई और होकागे दोनों देख लेते हैं और होकागे इरुका सेंसेई से कहता है कि मेरे साथ आओ तुम्हें एक बात बतानी है। दूसरी जगह मिजुकी सेंसेई नारुतो से कहता है कि वो इरुका सेंसेई की बातों पर उदास ना हो क्योंकि उसके भी नारुतो की तरह पेरेंट्स मर चुके हैं और वो नारुतो पर इसलिए सख्ती करता है ताकि नारुतो स्ट्रॉन्ग निंजा बन सके। तो नारुतो कहता है लेकिन मैं वाकई में ग्रेजुएट होना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बतानी होगी। नारुतो ये सुनकर शॉक हो जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें इरुका सेंसेई को अपने घर में बेड पर दिखाया जाता है जो होकागे की बातों के बारे में सोच रहा होता है। असल में होकागे ने इरुका से कहा है कि मुझे पता है तुम्हें नारुतो की फिक्र है क्योंकि उसकी तरह तुम्हारे पेरेंट्स भी 12 साल पहले नाइन टेल वाले वाकये में मारे गए थे। तभी अचानक वहाँ मिजुकी सेंसेई आता है और इरुका सेंसेई को बताता है कि नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग को होकागे के ऑफिस से चुरा लिया है। फिर हमें नारुतो को एक जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्क्रोल को पढ़ने और समझने की कोशिश करता है लेकिन वो स्क्रोल को समझने के लिए बहुत वीक होता है। इसी बीच थर्ड होकागे नारुतो को पकड़ने और स्क्रोल को वापस हासिल करने के लिए बहुत से निंजास को भेजता है। इरुका सेंसेई भी नारुतो को ढूंढने के लिए निकलता है और आखिरकार वो नारुतो को ढूंढ लेता है। नारुतो इरुका सेंसेई को देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि अब तक मैंने इससे सिर्फ एक ही जुत्सु सीखी है। इरुका सेंसेई ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि नारुतो अभी तक सिर्फ जुत्सु की प्रैक्टिस कर रहा था। नारुतो कहता है अब तो आपको मुझे पास करना ही होगा, मैंने इसमें लिखी हुई जुत्सु सीख ली है। वो नारुतो से पूछता है कि ये सब तुम्हें किसने बताया, तो नारुतो जवाब देता है कि मिजुकी सेंसेई ने इसे स्क्रोल और इस जगह के बारे में बताया है। इरुका सेंसेई ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी कोई दूर से उन दोनों पर शुरिकेन फेंक कर हमला करता है। इरुका सेंसेई नारुतो को वहाँ से धक्का देकर खुद शुरिकेन के सामने आ जाते हैं और उस शुरिकेन से इरुका सेंसेई बहुत जख्मी हो जाता है। असल में शुरिकेन से हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिजुकी सेंसेई है। इरुकी सेंसेई कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि स्क्रोल को हासिल करने के लिए उसने नारुतो को यूज किया है। इरुका सेंसेई नारुतो को स्क्रोल नहीं देने के लिए बोलता है क्योंकि इस स्क्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट और डेंजरस निंजुत्सु है और मिजुकी नारुतो से कहता है कि असल में इरुका नहीं चाहता कि तुम इस स्क्रोल को यूज करो और इसकी वजह 12 साल पहले का वो इंसिडेंट है जिसके बाद एक रूल बनाया गया जो पूरे विलेज को पता है सिवाय तुम्हारे नारुतो। तो नारुतो हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो क्या रूल है। इरुका सेंसेई मिजुकी को चुप रहने को कहता है लेकिन मिजुकी कहता है वो रूल ये है कि तुम्हारे अंदर एक डीमन फॉक्स की स्पिरिट है और तुम ही वो नाइन टेल फॉक्स की स्पिरिट हो जिसने इरुका सेंसेई के पेरेंट्स को मार डाला था और हिडन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय किया था। इससे हमें पता चल जाता है कि शुरू में फोर्थ होकागे ने जिस बच्चे में नाइन टेल फॉक्स को सील किया हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि नारुतो उजुमा की है। नारुतो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे समझ आने लगता है कि विलेज में हर कोई उससे क्यों नफरत करता है और कोई उसका दोस्त क्यों नहीं बनना चाहता। इरुका सेंसेई को भी तड़ होकागे ने बताया था कि नारुतो इरुका की तरह ही अकेला है और वो होकागे के फेस कल्चर पर इसलिए ड्राइंग बनाता है ताकि वो लोगों की अटेंशन हासिल कर सके। नारुतो ये सब जाहिर तो नहीं करता लेकिन वो अंदर से टूट चुका है। फिर मित्सुगी नारुतो की तरफ अपना शुरिकेन फेंकता है लेकिन इरुका सेंसेई फिर से बीच में आकर नारुतो को बचाते हैं और वो शुरिकेन इरुका को लग जाता है। नारुतो हैरानी से सोचता है कि इरुका ने क्यों उसे बचाया, तो इरुका सेंसेई बताता है कि वो और नारुतो सेम ही है। उसके पेरेंट्स की मौत के बाद किसी ने उसे भी सपोर्ट और अटेंशन नहीं दी और क्लास में भी उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो भी अटेंशन हासिल करने के लिए अजीब हरकतें करता था। वो इस सब के लिए नारुतो से माफी मांगता है। फिर नारुतो वो स्क्रोल लेकर वहाँ से भाग जाता है तो मिजुकी और इरुका सेंसेई भी उसके पीछे जाते हैं। दूसरी जगह हम थर्ड होकागे को देखते हैं जो मैजिक बाल से ये सारा इंसिडेंट देखते हैं। वो मिजुकी पर बहुत गुस्सा होते हैं और उन्हें डर है कि नारुतो के अंदर डीमन फॉक्स की पावर बाहर ना आ जाए जिससे विलेज
मुझ को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। फिर इरुका सेंसेई नारुतो को भागते हुए ढूंढ लेते हैं और उससे कहते हैं कि मिज़ुकी ने जो भी कहा वो सब झूठ है और ये स्क्रॉल मुझे दे दो। मिज़ुकी इसी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन नारुतो इरुका सेंसेई को बहुत जोर का पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। तो इरुका सेंसेई पूछता है कि कैसे, आखिर कैसे तुम्हें पता चला कि मैं इरुका नहीं मिज़ुकी हूँ। नारुतो स्माइल दे के जवाब देता है कि वो इसलिए कि मैं भी नारुतो नहीं बल्कि इरुका हूँ। मतलब ये इरुका ही था जिसने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को यूज करके मिज़ुको को बेवकूफ बनाया। ये सब नारुतो दरख्त के पीछे चुप कर देख रहा होता है। मिज़ुकी इरुका से कहता है कि वो क्यों नारुतो को बचा रहा है, आखिर उसी ने तो ही उसके पेरेंट्स को मारा था। इसके जवाब में इरुका कहता है कि जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा वो नाइन टेल फॉक्स था, नारुतो नहीं। इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं और नारुतो एक अच्छा लड़का है जो इंसानों की तकलीफों को समझ सकता है। वो कोई डीमन फॉक्स नहीं बल्कि हिडन लीफ विलेज का नारुतो उज़ुमा की है। नारुतो इरुका की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। मिज़ुकी इरुका सेंसेई को शुरिकेन से मारने वाला ही होता है कि तभी नारुतो बीच में आकर मिज़ुकी को एक पावरफुल किक मार के दूर फेंक देता है और मिज़ुकी से कहता है कि अगर उसने इरुका सेंसेई के साथ कुछ भी किया तो वो उसे मार डालेगा। फिर वो मल्टी शेडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और बहुत सारे मतलब हजारों क्लोन्स बनाता है। ये देखकर मिज़ुकी बहुत ज्यादा डर जाता है और इरुका सेंसेई भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कोई आम इमेजेस नहीं है बल्कि रियल क्लोन्स हैं और ये एक एडवांस निंजित्सु है। और वो सारे क्लोन्स मिलकर मिज़ुकी की खूब धुलाई करते हैं। इरुका सेंसेई ये देखकर सोचता है कि आखिर नारुतो ने ये कर ही दिखाया और शायद ये सच में होकागे से भी आगे निकल जाए। वो नारुतो से कहता है कि वो इसके करीब आए, उसे नारुतो को कुछ देना है। दूसरी जगह हमें निंजा सोल्जर को दिखाया जाता है जो नारुतो को तलाश ना करने पर परेशान है। तभी उनके बीच थर्ड होकागे आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, नारुतो जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगा। फिर हमें इरुका और नारुतो को दिखाया जाता है। इरुका सेंसेई ने नारुतो से आंखें बंद करने को कहा था, जब वो आंखें खोलता है तो इरुका सेंसेई कहते हैं मुबारक हो तुम्हें ग्रेजुएशन करने पर, और नारुतो के सर पर लीफ विलेज का हेड बैंड होता है। मतलब नारुतो भी ग्रेजुएट हो चुका है। नारुतो तो पहले शॉक होता है, फिर खुशी से इरुका सेंसेई को गले लगाता है। और इसी के साथ नारुतो का हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है।